ईएस रैंक के इस नए रैंक सीजन में आप लोग बिना ग्लिच यूज करे 999 स्टार तक कर सकते हो बिना ग्लिच यूज करे। अभी देखो मैंने 17 का स्ट्रीक बनाया और मैं क्लैश स्क्वाड रैंक में भाई लगभग 12 सीजन से ग्रैंड मास्टर जा रहा हूँ। क्लैश स्क्वाड रैंक में आप लोग बिना ग्लिच यूज करे, बिना अपनी आईडी को सस्पेंड करे 999 स्टार करके रीजन रैंक पुश कर सकते हो क्लैश स्क्वाड रैंक में। सीएस रैंक का न्यू रैंक सीजन गेम में स्टार्ट हो गया है एंड क्लैश स्क्वाड रैंक के इस नए रैंक सीजन में अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर रैंक पुश करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में गेम को स्टार्ट करोगे तो आपके जो अपोनेंट में प्लेयर आएंगे वो सिर्फ नूबड़े और बॉट्स आएंगे। मतलब उनका जो रैंक होगा ना गोल्ड प्लेटिनम डायमंड हीरोइक होगा, इससे ज्यादा उनका रैंक नहीं होगा। अभी देखो मैंने अपना फर्स्ट गेम स्टार्ट कर दिया है एंड मैं अभी ग्रैंड मास्टर पे हूँ एंड इस अकाउंट में ऑलरेडी 17 का स्ट्रीक बना है भाई। कंटिन्यू हम लोग 17 गेम जीते हैं ट्रिक को यूज करके। आप लोग भी स्ट्रीक को यूज कर सकते हो एंड स्ट्रीक बनाने से आप लोग को पता है भाई डबल स्टार प्लस होता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है एंड तुम लोग देख सकते हो भाई सीजन 10 से सीजन 21 आ गया एंड ये अकाउंट कंटिन्यूसली ग्रैंड मास्टर जा रहा है और एक बार भी इस अकाउंट का रैंक अभी तक ब्रॉन्ज नहीं हुआ है। अभी 380 स्टार कंप्लीट किया हमने ग्रैंड मास्टर पे, मेरा फर्स्ट गेम स्टार्ट हो गया है। ग्लिच का नाम है मिनिमाइज ग्लिच, आप लोग इसको मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोग को दोनों साइड की स्क्रीन दिखाने वाला हूँ कि आपको अपनी स्क्रीन से कैसे करना है और आपके फ्रेंड को अपनी स्क्रीन से कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आपका गेम स्टार्ट होगा तो आपको कुछ इस तरीके से अपने गेम को मिनिमाइज कर लेना है, जैसा मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। आप लोग को पहली बारी में ना ग्लिच बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोग कुछ टाइम ट्राई करने के बाद भाई बहुत ईजिली जब गेम को जीतोगे और ग्रैंड मास्टर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और वो देखो अपोनेंट में जो टीम आई है वो भी सेम ग्लिच का यूज़ कर रही है, तो आप लोग को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका आईडी ब्रॉन्ज हो जाएगा या फिर आईडी सस्पेंड होगा। मैं आप लोग को फिर से एक ग्लिच ट्राई करके दिखाता हूँ। बेसिकली एक ट्रिक है, कोई ग्लिच नहीं है। ग्लिच होता तो अब तक भाई बहुत सारा आईडी गैरिना पेल देता। ये एक ट्रिक है जिसमें आप लोग अपने टीममेट की मदद से अपने अपोनेंट में बॉट प्लेयर लेकर के आ सकते हो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को फर्स्ट साइड से दिखाने वाला हूँ, आपको सेकंड स्क्रीन से भी देखना है कि आपके फ्रेंड को एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट गेम स्टार्ट कर दिए हैं, जो हमारा एक पहला गेम था वो तो मिस हो गया, लेकिन अभी जैसे आप लोग का स्क्वाड क्रिएट करोगे गेम स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से आपको मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है। देखो आपका गेम आपको स्टार्ट होते ही मिनिमाइज करना है सबसे पहले, तो इस बात का ध्यान रखना। अब मिनिमाइज आपका गेम हो गया, अब आपके फ्रेंड को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक स्क्वाड क्रिएट करना है, अपने दो टीममेट्स को कॉल पे लेना है, आपके एक टीममेट को अपने गेम को मिनिमाइज करना है एंड दूसरे टीममेट को क्या करना है अभी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। गेम स्टार्ट होने दो, बस आप लोग को दो टीममेट्स को कॉल पे रहना है। दो टीममेट्स को आपको ऐसे लेना है जिनका गेम प्ले थोड़ा अच्छा हो, मतलब कि भाई वो एटलीस्ट हीरोइक वाले प्लेयर को नॉकडाउन निकाल ले। और हाँ, ये ग्लिच पिछले 6-7 सीजन से वर्क कर रहा है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पेड ग्लिच नहीं, आप लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे प्लेयर्स को एक प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं वाईफाई में खेलता हूँ या फिर मैं पीसी में खेलता हूँ, तो भाई आपको सबसे पहले मोबाइल में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाईफाई से वर्क नहीं करने वाला है। वाईफाई से वर्क करने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। वैसे कोई नेटवर्क इशू तो होता नहीं है, मैं भी कभी कभी वाईफाई में इसको ट्राई कर लेता हूँ। एंड अभी मैंने अपने फ्रेंड का अकाउंट लॉगिन किया, मैंने वीडियो में ये भी बोला था। आप लोग सोचोगे कि भाई आपने अपने फ्रेंड का अकाउंट क्यों लॉगिन किया, तो मैं बता दूं मैं बीआर रैंक के रीज़न पे हूँ एंड भाई अगर मेरा अकाउंट ऑफलाइन रहेगा तो मैं रीज़न से हट जाऊँगा, तो इसीलिए अभी मेरा फ्रेंड मेरे अकाउंट से खेल रहा है एंड मैं उसके अकाउंट से वीडियो बनाने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गेम को कुछ इस तरीके से मिनिमाइज करना है एंड ये जो लोडिंग क्लैश स्क्वाड बरमूडा वाला स्किन है और स्क्रीन है, ये भाई आपका ना जैसे ही लॉगिन होएगा, जैसे मतलब गेम स्टार्ट होगा आपको वैसे ही मिनिमाइज करना है। अगर आप लोग स्टार्ट होने के 2 सेकंड में मिनिमाइज गेम को नहीं करोगे तो ग्लिच वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये रहा आपकी फर्स्ट स्क्रीन का गेम प्ले। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्क्रीन में कि आपके फ्रेंड को क्या करना है। देखो मैंने स्क्वाड क्रिएट कर ली है, आपके दो टीममेट को सिर्फ खेलने के लिए रहना है और दो टीममेट को कॉल पे रहना है, एक उस टीममेट को जो गेम को मिनिमाइज करेगा और एक उस टीममेट को जो अपोनेंट के प्लेयर्स के नेम बताएगा या फिर अपोनेंट की टीम के बारे में बताएगा। अभी देखो मैंने दूसरा गेम स्टार्ट कर लिया है एंड अभी मैं 1086 पोजीशन पर हूँ ग्रैंड मास्टर की, और काफ़ी सारे प्लेयर का कमेंट आ रहा था कि भाई आपका ग्लिच हम लोग को समझ नहीं आता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हो। और बहुत सारे प्लेयर का ये भी कमेंट आ रहा था कि भाई रिकी भाई का ग्लिच लेकर के आओ, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ रिकी भाई से पूछने का एंड हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया, ठीक है।
है, इस वाली सिचुएशन में जैसी यहाँ पर स्क्रीन आती है आपको गेम कंटिन्यू मिनिमाइज़ कर लेना है। अब ये आ गया मैं दूसरी स्क्रीन में, एक्चुअल में होगा क्या, जब हमारा फ्रेंड गेम को मिनिमाइज़ करके रखेगा तो देखो वो गेम में नहीं आएगा। अब मेरे को गेम जैसे ही मेरा स्टार्ट होगा, जो आपका दूसरा फ्रेंड है उसको क्या करना है, जैसे ही उसका गेम स्टार्ट होगा तो उसको बताना है कि अपोनेंट में एक्चुअल में प्लेयर कैसे आए हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई प्लेयर के बारे में जान के क्या करना है, तो मैं बता दूं, जैसे ही देखो आपका गेम स्टार्ट होगा आपका एक टीममेट गेम को मिनिमाइज़ कर लेगा। आप लोग को जाते ही अपना जो BR लीडरबोर्ड होता है ना सेटिंग से, ये वाला, इसको आपको ऑन करना है और अपने फ्रेंड की जो लिस्ट होती है उस पर क्लिक करना है। मतलब गेम में आते ही आपको सबसे पहले अपोनेंट वाले प्लेयर के नेम चेक करने हैं। अगर आपके अपोनेंट में मैच मेकिंग हुई है नोबड़े प्लेयर्स की, मतलब गोल्ड प्लेटिनम डायमंड हीरोइक मास्टर के प्लेयर आए हैं, तो आपको अपने टीममेट को बोलना है कि भाई जल्दी से गेम को रीमिनिमाइज कर, मतलब गेम में रिटर्न आ जा। अभी देखो मेरा टीममेट थोड़ा सा लेट से आया क्योंकि उसने गेम को मिनिमाइज करके रखा था। हमारे अपोनेंट में गोल्ड प्लेटिनम डायमंड वाले ही प्लेयर आए थे, आप लोग देख सकते हो, मतलब हीरोइक मास्टर के प्लेयर आए, लेकिन ये हमारे लिए गोल्ड प्लेटिनम डायमंड ही है क्योंकि भाई मैं ग्रैंड मास्टर पे हूँ। ये लोग मेरे से लगभग 300 स्टार पीछे हैं, 300 गेम पीछे हैं, तो इनको डिफीट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप लोग के लिए भी, जैसे भाई आप लोग हीरोइक मास्टर रैंक पे होते हो, मुझे पता है भाई जितने भी प्लेयर ये वीडियो को देख रहे हैं उन लोग का ऑलमोस्ट रैंक मास्टर होगा। ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर शायद इस वीडियो को देख रहा होगा, और देख रहा होगा तो भाई अपनी बेसिक नीड्स के लिए देख रहा होगा। लेकिन भाई अगर मास्टर और हीरोइक वाले प्लेयर शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई अगर आपके अपोनेंट में मतलब डायमंड प्लेटिनम के प्लेयर आएंगे तो आप लोग उनको बहुत इजीली बीट कर लेते हो। वैसे ही ग्रैंड मास्टर वाले के अपोनेंट में अगर हीरोइक वाले प्लेयर आते हैं तो हम लोग उनको बीट कर लेते हैं। तो आप लोग को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हारे अपोनेंट में ब्रोंज के प्लेयर नहीं आए हैं। और भाई मैं ज़्यादा एडिटिंग भी इस गेम प्ले में नहीं कर पाया हूँ, मतलब मैं चाहता तो ब्रोंज वाले प्लेयर्स का वेट कर सकता था, लेकिन आप लोग को पता है मेरे को अपने अकाउंट से भी गेम प्ले करना है। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना क्लैश स्क्वाड रैंक की रैंडम सीरीज भी चलाई जाए, मतलब क्लैश स्क्वाड रैंक में ग्रैंड मास्टर किया जाए रैंडम प्लेयर्स के साथ। तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाया। अगर मैं 2-4 गेम और खेल लेता था ग्लिच करके तो मेरे अपोनेंट में शायद ब्रोंज वाले प्लेयर भी आ जाते वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं किया। आप लोग इस ग्लिच को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्क्रीन में आप लोग को क्या करना है, गेम स्टार्ट होते ही मिनिमाइज़ कर लेना है और दो बंदों को कॉल पे रहना है, एक उसको जो मिनिमाइज़ करेगा, एक उसको जो अपोनेंट वाले प्लेयर्स के बारे में बताएगा। जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होगा पहले फ्रेंड को मिनिमाइज़ कर लेना है, दूसरे फ्रेंड को गेम में जाके चेक करना है कि भाई अपोनेंट में प्लेयर कैसे आए हैं। अगर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड के प्लेयर आए हैं तो आपके फ्रेंड को रीमिनिमाइज़ कर लेना है। अगर आपके अपोनेंट में किसी अच्छे प्लेयर की मैच मेकिंग हुई है लाइक वी बैज ग्रैंड मास्टर, तो आपके फ्रेंड को गेम को मिनिमाइज़ करके रखना है। और जब आप लोग का गेम बैक हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से फिर आपका गेम बैक होने लगेगा। बैक होने के बाद आपके फ्रेंड को बोल देना है गेम में रिटर्न आ जा, उसका हॉर्नर स्कोर माइनस नहीं होगा। आप लोग को लगेगा कि भाई उसका तो हॉर्नर स्कोर माइनस होगा क्योंकि उसने गेम को मिनिमाइज़ किया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका कुछ माइनस नहीं होगा, उसका गेम सिंपली बैक होगा, कन्फर्म का ऑप्शन आएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट गेम स्टार्ट कर सकता है।